बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस फ्रेमवर्क को डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ लेक्चर से और अब हम जबकि लिक्विडिटी प्रेफरेंस फ्रेमवर्क के अंदर इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन भी कर लिया और इंटरेस्ट रेट में चेंजेस की रीजंस भी डिस्कस कर ली तो एक पिछले लेक्चर में मैंने लिक्विडिटी इफ़ेक्ट जो कि फ़र्स्ट राउंड इफेक्ट है और एक सेकेंड राउंड इफेक्ट इन दोनों पर फोकस किया था अब इस लेक्चर में हम इनको और डिटेल में समझेंगे एक बात तो ये जेन मेरा है कि पिछले लेक्चर में जो सेकंड राउंड इफेक्ट थे उसमें एक प्राइस लेवल के थ्रू इफेक्ट आ रहा था और एक एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के थ्रू आ रहा था एक तो इनकम था और एक वेल्थ वो दो तो ठीक हो गया लेकिन जो जनरल प्राइस लेवल और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के इफेक्ट हैं दे सीम सिमिलर ऐसे लगता है कि ये तो दो एक ही इफेक्ट हैं हालांकि ये जेन में रखिएगा कि प्राइस लेवल का इंक्रीज होना एक्सपेक्टेड को जरा थोड़ी देर के लिए साइड पर भी रखें तो प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन रेट के चेंज होने में फर्क है प्राइस लेवल का मतलब यह है कि प्राइस फाइव थी तो सिक्स हो गई लेकिन इन्फ्लेशन रेट जो है वो तो उसका ग्रोथ रेट है उसका स्पीड ऑफ चेंज है तो इसका मतलब यह है कि अगर प्राइस फाइव टू सिक्स हो गई तो ये स्पीड ऑफ चेंज कितना है ये ट्वेंटी परसेंट है अब अगर परमानेंटली प्राइस सिक्स पे कांस्टेंट हो जाए तो पहले साल जब प्राइस इंक्रीज हुई फाइव टू सिक्स इसका मतलब है इन्फ्लेशन रेट हुआ ट्वेंटी परसेंट तो हम कहें प्राइस लेवल फाइव से सिक्स हुआ या हम कहें इन्फ्लेशन रेट ट्वेंटी परसेंट हुआ तो यहां तक तो बात हो गई सेम इसमें कोई फर्क नहीं है लेकिन उससे अगले साल अगर प्राइस लेवल सिक्स पे ही कॉन्स्टेंट रहे तो वो जो प्राइस फाइव से सिक्स हुई थी वो तो अगले साल भी सिक्स है लेकिन इन्फ्लेशन रेट अगले साल जीरो होगा क्यों क्योंकि इन्फ्लेशन रेट हमेशा पिछले साल के कंपैरिजन में होता है जबकि लेवल इफेक्ट एक दफ़ा लेवल ऊपर चला गया तो जब तक कोई और चेंज नहीं आता उस वक्त तक वो लेवल परमानेंटली चेंज हो जाता है इसका मतलब यह है कि मनी सप्लाई के जो प्राइस लेवल पे इफेक्ट्स आते हैं वो परमानेंट नेचर के होते हैं और जो इन्फ्लेशन रेट के ऊपर इफेक्ट्स आते हैं वो टेम्प्रेरी नेचर के होते हैं जब मनी की ग्रोथ होती है तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं जब मनी की ग्रोथ फर्दर नहीं इंक्रीज होती तो प्राइस लेवल अपने पुराने लेवल पे वापस नहीं होता बल्कि प्राइस लेवल वहीं पे कांस्टेंट हो जाता है अलबत् इन्फ्लेशन रेट उसके बाद वापस जीरो की तरफ आ सकता है अगर कोई और रीजन ना हो इन्फ्लेशन रेट के पॉजिटिव होने की तो एक बात तो क्लियर कर लें कि एक प्राइस लेवल उसमें लॉन्ग टर्म इफेक्ट है दूसरा इन्फ्लेशन रेट उसमें शॉर्ट टर्म है और फिर फर्दर हम इसमें एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं तो ये भी इफेक्ट बहरहाल हल टेम्पररी होगा तो इसका मतलब है जब मनी सप्लाई चेंज होती है तो प्राइस लेवल चेंज हो या एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट चेंज हो चूंकि एक टेम्पररी इफेक्ट है एक परमानेंट इफेक्ट है तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी एक चैनल से परमानेंट इफेक्ट पड़ेगा और एक चैनल से टेम्प्रेरी इफेक्ट पड़ेगा दूसरी बात जो हमने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की बात की और उसी सेकंड राउंड के अंदर बेसिकली ये प्राइस लेवल भी था और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट भी था साथ दो एडिशनल वेल्थ और इनकम वेरिएबल्स दो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स थे तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये फर्स्ट राउंड इफेक्ट है लिक्विडिटी की वजह से कि जब जो है मनी सप्लाई बढ़ती है तो मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा हो जाती है एक्सेस सप्लाई हो जाती है लिक्विडिटी की या मनी की तो इंटरेस्ट रेट गिर जाता है ये हमने कहा था ये लिक्विडिटी इफेक्ट है या फर्स्ट राउंड इफेक्ट है और सेकंड राउंड इफेक्ट ये होता है कि फिर उस मनी सप्लाई ने बाकी वेरिएबल्स को चेंज हुआ और उसकी वजह से मनी डिमांड चेंज हुई और फिर इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ तो याद रखें ये दोनों पैरेलल नहीं होते ये दोनों इफेक्ट बल्कि ये सीक्वेंस में होते साइमल्टेनियसली और पैरेलल होने का मतलब है कि एक वक्त में एक इफेक्ट भी हो रहा है उसी वक्त में दूसरा इफेक्ट भी हो रहा है और सीक्वेंस में होने का मतलब यह है कि एक इफेक्ट पहले हो जाता है जल्दी हो जाता है एक देर से होता है लॉन्ग रन में जाके होता है तो लिक्विडिटी इफेक्ट जो है वो इमीडिएटली होता है लेकिन जो बाकी सेकेंड राउंड इफेक्ट हैं दे टेक टाइम इस वजह से जो है वो प्राइस लेवल और इनकम या वेल्थ इन तीन वेरिएबल्स को देखें तो ये थोड़ा वक्त लेंगे रही बात एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की जो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की वजह से था तो आपको पता है रैशनल एक्सपेक्टेशंज हो तो एक्सपेक्टेशन इमीजिएटली भी रिवाइज हो सकती हैं तो इसका मतलब है सेकेंड राउंड इफेक्ट में से एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट वाला चैनल ऐसा है जो इमीजिएट भी हो सकता है अगर एक्सपेक्टेशन फॉरी रिवाइज हो जाए और वो लॉन्ग रन इफेक्ट भी बन सकता है अगर एक्सपेक्टेशन स्लोली एडजस्ट हो ये हमने टॉपिक बड़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं कि कब इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन स्लोली एडजस्ट होती हैं जब वो एडेप्टिव हों और कब क्विकली एडजस्ट होती हैं जब वो रैशनल हों तो अब हम इन दोनों को देखते हैं कि लिक्विडिटी इफेक्ट और जो आपका लॉन्ग टर्म सेकेंड राउंड इफेक्ट है अगर ये दोनों हों अपनी जगह पे तो चूंकि ये सीक्वेंस में होते हैं तो इंटरेस्ट रेट की जो है वो एक ही वक्त में चूँकि एक देखे ना एक पॉजिटिव इफेक्ट कर रहा है एक नेगेटिव तो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं लेकिन वो कैंसिल आउट डायरेक्टली नहीं होंगे क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे नहीं हो रहे तो इसलिए हमें टाइम डायमेंशन बीच में लानी पड़ेगी तो डायग्राम में हमारे पास वर्टिकल एक्सेस में इंटरेस्ट रेट है और हॉरिजोंटल एक्सेस पे टाइम है और इंटरेस्ट रेट जो है वो आई वन पे सपोज इनिशियली कांस्टेंट है इसके बाद हम क्या करते हैं मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं तो मनी सप्लाई बढ़ाने का एक लिक्विडिटी इफेक्ट होगा और वो ये कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा वो इंटरेस्ट रेट नीचे हो गया तो आप देख सकते हैं कि वो आई टू वाली लाइन से भी नीचे चला गया लेकिन लॉन्ग रन में आहिस्ता आहिस्ता वो आई टू वाली लाइन पे वापस जाता है लेकिन आई टू की लाइन आई वन के बराबर नहीं है आई वन से नीचे है इसका मतलब है जो अदर चैनल्स हैं जो अदर वेरिएबल्स का इफेक्ट है जो सेकेंड राउंड इफेक्ट था वो लिक्विडिटी इफेक्ट मुक, के मुकाबले में कम मैग्नीट्यूड का है इसलिए जितना लिक्विडिटी इफेक्ट ने इंटरेस्ट रेट को कम किया था उससे अदर वेरिएबल्स ने उसको बढ़ाया जरूर है लेकिन I2 पे जाके कांस्टेंट हो गया तो दो बातें यहां से समझ आई कि अगर लिक्विडिटी इफेक्ट ज्यादा पावरफुल हो वो जो एक लेक्चर में मैं आपको एम्बिगुअस इफेक्ट दिखा रहा था वो एम्बिगुटी यहीं पे है अब आपको क्लियर हो जाएगी कि एम्बिगुटी यह अदर चैनल से इंटरेस्ट रेट बढ़ता है लिक्विडिटी इफेक्ट से कम होता है नेट रिजल्ट क्या है हमने एग्जाम्पल ले ली कि ये भी हो सकता है कि नेट इफेक्ट लिक्विडिटी वाला प्रीवेल करे क्योंकि उसका इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है तो फाइनली लॉन्ग रन में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा लेकिन उतना कम नहीं होगा जितना इनिशियली लिक्विडिटी इफेक्ट से हुआ था नेक्स्ट हम ये कर लेते हैं कि इंटरेस्ट रेट का चेंज मनी सप्लाई से देखते हैं जब एक्सपेक्टेशन जो है दे एडजस्ट स्लोली यानी कि एक बात तो हम ये करते हैं कि लिक्विडिटी इफेक्ट छोटा है अदर इफेक्ट स्ट्रांग है लेकिन एक्सपेक्टेशंस के अंदर स्लो एडजस्टमेंट है जैसे अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हो सकती हैं तो इस पर्टिकुलर केस में इंटरेस्ट रेट जो इनिशियली आई वन पे कांस्टेंट था जब टाइम पीरियड टी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ाई गई तो वो इंटरेस्ट रेट कम हो गया लेकिन जब वो इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो लॉन्ग रन में क्या हुआ कि इनकम लेवल बढ़ गया वेल्थ बढ़ गई प्राइस लेवल बढ़ गया एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट हाई हो गया इन सारी रीजन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ और इतना बड़ा कि वो इनिशियल लेवल आई वन से भी ऊपर चला गया क्योंकि इन अदर वेरिएबल्स का इफेक्ट हम अस्यूम कर रहे हैं कि लिक्विडिटी इफेक्ट से ज्यादा है लेकिन आप देख सकते हैं टाइम बहुत ज्यादा चाहिए इस गैप को कवर करने के लिए क्यों एक्सपेक्टेशन स्लो स्लोली एडजस्ट हो रही है हमने एक तीसरा केस ले लिया है कि यहां भी लिक्विडिटी इफेक्ट छोटा है सेकेंड राउंड इफेक्ट ज्यादा बड़ा है लेकिन साथ ही साथ हम यहन ले रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन क्विकली रिवाइज होती है अगर यह सूरत हाल हो तो इनिशियली इंटरेस्ट रेट आए वन पे था तो टाइम पीरियड टी में जब मनी सप्लाई बढ़ाई गई तो चूंकि एक्सपेक्टेशंस क्विकली रिवाइज हुई तो जो लिक्विडिटी इफेक्ट से इंटरेस्ट रेट ने नीचे आना था वो लिक्विडिटी इफेक्ट से तो नीचे आया होगा लेकिन एक्सपेक्टेशंस अपवर्ड रिवाइज हो गई और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट ने ऊपर मूव करना शुरू किया तो नतीजा ये हुआ कि एक्सपेक्टेशन का प्रोसेस इतना क्विक था कि शॉर्ट रन में भी लिक्विडिटी इफेक्ट की वजह से इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ और फोरी बढ़ना शुरू हो गया और अल्टीमेटली आई टू पे जाके स्टेबल होगा इसका मतलब है ये दो किस्म के इफेक्ट लिक्विडिटी इफेक्ट और सेकेंड राउंड इफेक्ट इन ये इनका नेट इफेक्ट डिपेंड करता है कि कौन सा इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है और एक्सपेक्टेशंस कितनी क्विकली रिवाइज होती हैं इन्फ्लेशन के बारे में थैंक यू